Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत ही एक जो मेरी शिकायत रहती थी कि यार कि TCS में ऐसा क्यों है, आज मैंने वही सोचा है कि वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जब भी TCS में सैलरी कॉम्पोनेंट मैं देखता था तो मैं देखता था यार इसकी बेसिक सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी बेसिक सैलरी अगर कम है तो क्या आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और क्यों TCS जैसी कंपनीज, जो और भी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस होगी, जो बेसिकली जो मास रिक्रूटर्स हैं वो क्यों बेसिक सैलरी को इतना कम रखते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये मास रिक्रूटर्स कंपनीज होती है ना, इनके सैलरी का एक आपने कंपोनेंट देखा होगा, तो इसमें हमेशा जो बेसिक पे रहती है, जो आपकी फिक्स सैलरी रहती है, वो बहुत ही कम रहती है। और जो वेरिएबल कंपोनेंट्स में ये लोग जो देते हैं ना, परफॉर्मेंस अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस, वेरिएबल पे, ये हमेशा एक ज़्यादा रहता है। तो फिक्स में भी जो पर्टिकुलरली आपकी बेसिक सैलरी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो पहले मैं बता दूँ कि बेसिक सैलरी से क्यों आपको इतना प्यार होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही आपका जो PF है, जो आपका HRA है और जो आपका टैक्स है वो देखा जाएगा कि आपका क्या होगा। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है, मतलब आप कम PF के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपका HRA जो होगा वो कम होगा और आपका टैक्स भी कम कटेगा, ठीक है। तो या सिर्फ कम टैक्स के लिए तो आप अपनी सैलरी कम नहीं रखना चाहेंगे ना। हर लोग यही सोचते हैं कि वो ज़िंदगी में तरक्की करें, और टैक्स तो सरकार लेगी ही, चाहे आप कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो। अगर आपको टैक्स भरना ही है तो आप ज़्यादा कमा के टैक्स भरो ना। तो एक तरह से अगर कम सैलरी है, कम बेसिक पे है, तो ये दोनों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही एक बेनिफिशियल थिंग रहती है, पर एम्प्लॉयर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो एम्प्लॉयज़ में मैं आपको दो एम्प्लॉयज़ के एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक है जिसकी सैलरी कम है, जिसकी अब करियर, जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, जिसकी सैलरी है 30,000। और मैं दूसरा देना चाहूँगा एक सीजनड एम्प्लॉय का एग्जांपल, जिसकी सैलरी है 1,00,000 रुपये। तो अगर आपकी कम बेसिक पे है तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देता हूँ जिसकी 30,000 की सैलरी है, ठीक है। तो बंदा खुश है, उसको परफॉर्मेंस जो उसका बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपये है, और 10,000 में ही उसका PF भी कट रहा है, उसका HRA भी हो रहा है, तो वो खुश है कि उसका PF 1,200-1,300 रुपये कट रहा है। सोचो उसकी बेसिक सैलरी अगर 10,000 है तो 12% अगर PF कट रहा है तो 1,200 रुपये के करीब उसका PF कट रहा है, उसका HRA भी 4,000-5,000 है, तो और वो 4,000-5,000 ही अपना रेंट शो कर रहा है, तो ठीक है। मतलब उसका जो ह्यूज चंक ऑफ इनकम है वो बेसिक सैलरी है, 1/3 जो उसकी सैलरी है वो उसकी बेसिक सैलरी है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं हो रही। पर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कुछ साल हो गया है कॉर्पोरेट में जॉब करते करते, और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई हो तो क्या होगा। तो TCS जैसी कंपनी में अगर आप 1,00,000 रुपये भी कमा रहे हो तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 15,000 के आसपास की रहेगी, 15,000 से 16,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अगर सोचो 1,00,000 में आपकी 15% सैलरी ही बस आपकी बेसिक सैलरी है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका ह्यूज चंक ऑफ जो आपकी इनकम है वो बेसिक में ना हो के वो आपके जो स्पेशल अलाउंस होते हैं, जो बुके ऑफ बेनिफिट्स के अलावा जो स्पेशल अलाउंस होते हैं, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस पे हो गई, आपका वेरिएबल पे हो गया, उन सब में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपकी फ्यूचर की सेविंग्स है वो आपके PF में ही जाती हैं, और जितना आप PF कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को भी PF कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो TCS जैसी कंपनीज, एक मेन रीज़न ये होता है लो बेसिक सैलरी रखने का, कि आपका जो PF कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की तरफ से है वो भी कम रहेगा, और जो एम्प्लॉयर की तरफ से है वो भी कम रहेगा। तो इस वजह से उनका जो ओवरहेड होता है, जो इनकी स्पेंडिंग का ओवरहेड होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप 1,00,000 के करीब कमा रहे हैं TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी बेसिक सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये है, तो
तो 15,000 का 12% तो आपकी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 1,800 रुपये होगा, और कंपनी को भी सिमिलर मैच करना होता है तो 1,800 रुपये वो भी देगी, ठीक है। तो इस तरह से वो काफ़ी सेव कर पाते हैं, और आपके जो मैक्सिमम सैलरी का पोर्शन होता है वो वेरिएबल पे में दे देते हैं, और वेरिएबल पे आपको पता है कभी भी 100% नहीं मिलती, वो हमेशा आपको 60-70% मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज कि आपके जो BU है, जो आपकी बिजनेस यूनिट है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आपके प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस है, और आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा चेक्स एंड गेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए वो सैलरी बचा लेते हैं बेसिकली आपकी CTC में से। इसका एक और वो है कि अगर आपकी PF कम है तो आपको टैक्स जो आपको ATC और ATD होता है उसमें शो करने के लिए 1.5 लाख और 50 लाख आप और शो कर सकते हो, जो 50 लाख शो कर सकते हो आप, 50,000 मोर, मतलब टोटल आप 2 लाख रुपए शो कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपका HRA भी कम होगा, HRA आपका कम है तो सोचो जो आप रेंट भर रहे हो उसको आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो कंपनीज़ है वो बेनिफिट करती हैं, क्योंकि जो PF कंट्रीब्यूशन है उनको वो कम देना पड़ता है, और जब एम्प्लॉयज़ का स्केल इतना ज़्यादा होता है कि आपके 6-6 लाख एम्प्लॉयज़ रहें, तो कंपनी हर एक पॉसिबल मेजर लेती है कि वो कैसे सेव कर पाएँ, इसलिए वो आपकी बेसिक सैलरी कम रखती हैं। तो ये था रीज़न कि आपकी बेसिक सैलरी क्यों कम रखती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मास रिक्रूटर्स हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी सैलरी में आपका जो बेसिक सैलरी का कॉम्पोनेंट है वो कम है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक सफिशेंट इनकम है आपकी, अगर आप 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कम है, और आपके जो फ्यूचर के लिए जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है जैसे PF हो गए, वो आपका कम इकट्ठा हो रहा है कंपेयर टू अदर पीपल जिनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 50% ऑफ सैलरी को बेसिक पे देती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव, कुछ नया समझ आया होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।